विराट कोहली तो हमेशा से पाकिस्तान के विरुद्ध काफी अच्छा चल रहा है। सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर पे खिलाऊंगा, ऋषभ पंत को नीचे खिलाऊंगा। सभी को पता है लेकिन बाबर आजम और कोहली में कोई कंपैरिजन नहीं है। हार्दिक पांड्या ने अच्छी पारी खेली थी, बाय द वे हम लोग हार गए थे मैच। कॉम्पिटिशन रहेगा दोनों के लिए लेकिन इंडिया जीतेगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा ही कांटे वाला रहा है। डेफिनेटली इंडिया का काफ़ी भारी है क्योंकि शुरू से ही भारी है। विराट कोहली का तो हमेशा से पाकिस्तान के विरुद्ध काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। रही बात ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत ने अभी 1.5 साल बाद वापसी की है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी है। कंपटीशन रहेगा दोनों के लिए लेकिन इंडिया जीतेगी। विराट कोहली तो हमेशा से पाकिस्तान के विरुद्ध काफ़ी अच्छा चल रहा है और आज भी चलेगा। हमारी बॉलिंग पक्ष मजबूत है, बैटिंग मजबूत है, अभी विकेट कीपर में ऋषभ पंत भाई उनका भी जलवा है, वही अच्छा खेलते हैं। रही बात विश्वकप की, विश्वकप में भारत का पलड़ा हमेशा भाई रहा है और विराट कोहली का जलवा हमेशा रहा है और ये जीतेगी मैच, आराम जीत जाएगी इंडिया, कोई इसमें शक नहीं है। देखिए हम लोग इंडियन हैं, हम लोग की आशा यही है कि भारत की जीत हो, पर ये चाहते हैं कि मैच थोड़ा तगड़ा हो और लड़ के जीत हो, एक तरफा मैच में मज़ा नहीं आता। हम लोग की बॉलिंग भी बहुत मजबूत है, फील्डिंग लेवल बहुत ऊँचा है और बैटिंग में जैसा आप जानते हैं रोहित शर्मा चल रहे हैं, ऋषभ चल रहा है, विराट कोहली फॉर्म में है। देखिए पल्ला जाहिर सी बात है कि भारत का भारी है क्योंकि पाकिस्तान पिछले मैच में वैसे भी हारा हुआ है बुरी तरीके से। दूसरी बात हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, श्रेयस अय्यर, हमारे मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रांग है और ऋषभ पंत के वापस आ जाने से हम मिडिल ऑर्डर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर पर खिलाऊंगा, ऋषभ पंत को नीचे खिलाऊंगा। हमेशा से ही भारत का पल्ला भारी रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा ही कांटे वाला रहा है। पुरानी राइवलरी रही है इंडिया और पाकिस्तान की, जैसा कि पिछले मैच में यूएसए से पाकिस्तान हार के आ रही है उसमें ज़्यादातर देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ी थे उसमें। आज का मैच जो है वो भारत के पक्ष में ही होगा, भले भी कांटे का हो लेकिन जीतेगी इंडिया। सभी को पता है लेकिन बाबर आजम और कोहली में कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत अच्छे हमारे प्लेयर, बहुत अच्छे फॉर्म में है, बड़े प्लेयर हैं। पाकिस्तान वैसे भी हतोत्साहित है, ऑलरेडी एक मैच हार चुकी है छोटी टीम से। नेचुरली इंडिया विन करेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, ओनली वन कैन विन इंडिया। हमेशा से भारत का पल्ला हमेशा से भारी रहा है, आज मतलब आज की डेट तक 8 मैच मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में हुए हैं जिसमें से 7 मैच इंडिया जीती है, जिसमें ऐसे आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खिलाफ हमेशा से मतलब पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या ने अच्छी पारी खेली थी, बाय द वे हम लोग हार गए थे मैच। वो चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर वर्ल्ड कप था, 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी थी और ये T20 वर्ल्ड कप है तो इसलिए इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है।